Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. This is the second video of our chain. और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि किस वजह से, कौन से ऐसे तीन चार पॉइंट्स थे जिनकी वजह से रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं वो आगे चल के बढ़ेंगी. अब हम बात करेंगे कि कौन से एरियाज बेस्ट सूटेबल हैं इस एनवायरमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए और क्यों. इसमें मेरी नजर में तीन एरियाज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है. नंबर वन लग्जरी अपार्टमेंट्स, नंबर टू कमर्शियल ज़ोन्स, कमर्शियल एरियाज, नंबर थ्री रेजिडेंशियल एरियाज. और ये तीनों एरियाज वो होने चाहिए जहां पे पोजेशन अवेलेबल हो. सो फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं होगा, वो कभी एरिया ओवरऑल पोजेशन के अंदर होगा, डेवलप्ड होगा. लेकिन यहां पे जो है आपके पास जो प्लॉट्स के अंदर आप करेंगे डीएचएस के अंदर, वहां पे पोजेशन होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आपने उसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली प्रायोरिटी पे हमने लग्जरी अपार्टमेंट्स को क्यों रखा है. देखिए, लग्जरी अपार्टमेंट्स जो है वो एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है और उसमें ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कंपेरिजन करना है कमर्शियल से या इससे, तो आपको फायदा उस वक्त है कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करें. अगर आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो फिर आपको बेनिफिट शायद इतना ज्यादा नहीं है और सिर्फ आप सिविल स्टैंप ड्यूटी बचाएंगे, और या फिर अगर कोई प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं इन इम्पैक्ट्स की इन चीजों की वजह से, तो वो जो फायदा होगा वो आपको हो सकता है. लेकिन यहां पर आप ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं जिसमें आपने कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट, राइट. सो सबसे मेरा ख्याल में इजी गोइंग, प्लस आपको यू नो इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको जो है वो 1 करोड़ रुपए से लेके 4-5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं. प्लेसेस लाइक डाउनटाउन मॉल, मेडिसन स्क्वायर, गोल्ड क्रेस्ट मॉल, इंडिगो, यू नो सारे जो एरिया जो गुलबर्ग के अंदर हैं. और मैं लग्जरी अपार्टमेंट्स पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, वजह यह है कि इसके पीछे एक और लॉजिकल रीजनिंग भी है कि हमने हाई एंड प्रोडक्ट्स के अंदर रहना है. रीजन बीइंग कि ये जो रिसेशन है इसमें ज्यादातर मोस्ट इफेक्ट जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो मेरा ख्याल है मिडिल क्लास के ऊपर होगा, क्योंकि लोअर क्लास के यू नो हमारी जो है उसने तो वैसे भी प्लॉट नहीं खरीदने थे. ये जो कनाल के प्लॉट्स हैं या लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ये जो खरीदने वाली क्लास है वो डिफरेंट है, दे हैव द मनी. इवन अगर वो अपने 2 साल का खर्चा भी अपनी जेब में रखते हैं तो उनके पास फिर भी पैसा है फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए. और उसके बाद जब इसमें ब्लैक मनी वाली सारी एमनेस्टी सारी बीच में हम डालेंगे, प्लस एक मोटिवेशन के जनाब चीजें सस्ती मिल रही हैं और प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू ऐड अप. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी जगह मेरे ख्याल में लग्जरी अपार्टमेंट है. सेकेंड नंबर पर मैं समझता हूँ कमर्शियल्स हैं. उसका रीजन ये है कि कमर्शियल्स की लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होती है, और कमर्शियल जरूरी नहीं है कि डीएचए के अंदर, कमर्शियल गुलबर्ग का कमर्शियल एरिया भी हो सकता है जहां पे आप इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो एनी प्लेस वे यू कैन डू दैट, दैट इज गुड. और मैं कमर्शियल्स के अंदर स्पेशली देखें जो लोग जाते हैं वो हमारी टॉप एलीट क्लास के कुछ 1% है, और मेरे ख्याल में वो दे विल हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन देम के जनाब वो उनका फाइनेंशियल बर्डन या चीजें कुछ है वो you know, effect hogi. So that is one point which I think, and they are the ones actually jinke paas sara black money bhi hai. So you know, wo ek project ke andar jate hain, 10 crore 12 crore 15 crore ka plot khareedte hain, plus 4 5 crore rupaye usko laga ke building banate hain. So there they go, it's easier for them. Third pe residential areas. Residential areas mein investment plus genuine log bhi jo hai wo aayenge. सो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट और भी एक बड़ा मेजर होगा. यू नो टू बी ऑनेस्ट 19-20 का फर्क है इन दोनों फैक्टर्स के अंदर, कमर्शियल्स में और उसके अंदर. अप टू यू, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट कितना है, आप उसमें किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उसमें रेजिडेंशियल एरियाज में. लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट दोबारा जहन में रखें कि ये सिर्फ उन जगहों के ऊपर है जिसमें आज आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं. और मोस्ट वैलिड, अगर आपने कमर्शियल का जो फायदा उठाना है तो आपने 31 दिसंबर से पहले, 2020 से पहले आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी है. यू कांट डिले इट मोर देन 31 दिसंबर 2020, और इसकी एक एंड डेट भी दी हुई है जिसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन को फिनिश करना. सो ये नहीं है कि यू नो नियर डाल दिए यू नो हम उसके अंदर जो है वो डल गए. आपने उसको जो है September 2022 से पहले पहले इसको खत्म करके 2-2.5 years.
ये चीज जो है ये आपके अपार्टमेंट्स में बहुत फायदा देगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं नॉर्मली उनमें 2-3 साल का टाइम पीरियड होता है कंप्लीशन का, और आपने जो पैसे देने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता देने हैं। अब यू नो इंशाल्लाह वी मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग टू यू एवरीथिंग अबाउट द लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड व्हाई दे आर बेटर देन यू नो अदर टू एरियाज। हम लॉजिकली इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम व्हाट इज आवर रीजन बिहाइंड इट कि इस जगह के ऊपर क्यों पैसे देगा। और एक्चुअली गवर्नमेंट का मेन पर्पस भी यही था कि यस उसने एक इंडिविजुअल लोगों को भी बेनिफिट दिया, बट मेजर फोकस उनका यही है कि जो डेवलपर्स हैं, प्राइवेट डेवलपर्स हैं, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो इस चीज का फायदा उठाए। सो गाइस दैट्स माय टेक ऑन दिस, आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस डिसाइड वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।